शनिवार को शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में विंध्य से बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को जगह दी गई है। राजेंद्र शुक्ला का कहना है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया वह उस पर खरा उतरेंगे और विंध्य से बीजेपी को बीते 2018 के चुनाव में 30 में से 24 सीटें मिली थी, इतनी ही सीटें 2023 विधानसभा चुनाव में फिर हासिल होंगी। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के बगावती तेवर को लेकर उन्होंने कहा कि वह कोई चुनौती नहीं है। उनका यह भी कहना है कि उनका मिशन प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ विकास करना है। राजेंद्र शुक्ला से खास बातचीत की संवाददाता कुमार संदीप ने। आखिरकार शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और विंध्य से भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ल को इसमें जगह दी गई है। सर, सबसे पहले तो स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। विंध्य में लगातार मांग उठती रही थी मंत्रिमंडल विस्तार की और आपको लेकर मंत्री बनाए जाने को, अब लेकिन समय आया, घड़ी आई और आपको मंत्री परिषद में जगह दी गई, किस प्रकार देखते? जो जिम्मेदारी दी गई है उससे मुझे खुशी है और जिम्मेदारी का ठीक प्रकार से निर्वहन जैसे मैं पहले करता रहा हूँ उसमें कोई कसर न रह जाए इसकी जरूर मैं पूरी कोशिश करूंगा और पार्टी की अपेक्षाओं में को पूरा करूंगा। विंध्य से लगातार नारायण त्रिपाठी चुनौती देते नजर आ रहे हैं, लगातार जो है पार्टी या जो संगठन है उसको चुनौती देते रहे, इसको किस तरह देखते हैं? विंध्य से आप आते कद्दावर नेता माने जाते हैं वहाँ के, तो इस चुनौती से कैसे निपटें? कोई ऐसी चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, विकास किया है, जनता के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई हैं, उससे मोदी जी के प्रति भी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति भी लोगों का विश्वास भरोसा बढ़ा है, तो चुनौती का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपको पहले भी ऊर्जा की पीएचई की जिम्मेदारी दी गई थी, अब क्या देखते हैं आप, किस प्रकार पोर्टफोलियो सोच रहे हैं और किस प्रकार जो है विकास या की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आप? विकास की तो एक ही प्राथमिकता है कि जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार की उसका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो जाए और जमीन पर विकास उतर जाए और लोगों के घरों तक उनके राहत की सुविधा पहुंच जाए, ये एजेंडे पे हमारी सरकार और हमारे सभी नेता काम करते हैं, मंत्री काम करते हैं, तो उसी पर हम लोग पहले से भी काम करते रहे। कोई आज मंत्री बन गए हैं तो नए सिरे से कोई काम शुरू करना है ऐसा नहीं है, काम तो पहले से चल रहा है, मंत्री बनने के बाद उसको और गति दी जा सकती है, उसी पर काम होगा। सर, एक अहम सवाल, 3 दिन तक ये संसद के बादल क्यों रहा है? 3 दिन से लगातार जो है मंत्रिमंडल को लेकर कयास लगाए जा रहे थे विस्तार पर। नहीं, वो थोड़ा मीडिया में जरूर चल रहा था लेकिन जो तय समय था उसी समय पर हुआ है विस्तार। आखिरी सवाल सर, विंध्य से इस बार बीजेपी को कितनी सीट है? पिछले बार 30 में 24 मिली थी, उससे कम होने का सवाल ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये थे राजेंद्र शुक्ल जो कि एक अनुभवी चेहरा है बीजेपी का और विंध्य से जो है कद्दावर बीजेपी के नेता माने जाते हैं, कहीं ना कहीं जो है अब मंत्रिमंडल में वो शामिल होने के बाद पार्टी का जो संगठन है साथ ही साथ जो विकास है उसको जोड़ते हुए दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में विंध्य में निश्चित तौर पर इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। कैमरा पर्सन सुरेश कटियार के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।